झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील के ग्राम सिजारी खुर्द, गरौठा तहसील के ग्राम शहपुरा सहित जिलों में कर्ज के चलते दबे किसानों ने आत्महत्या की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना दी और गुप्त सहयोग दिया। उक्त अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बखिया उधेड़ते हुए प्रदेश में चलाई जा रही जनउपयोगी योजनाओं को मात्र कागजों पर चल रही बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में लोग रोजगार न होने से परेशान हैं, जिसके चलते लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उक्त अवसर पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन सहित जिले के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी मैं श्री राघवेंद्र सिंह जी के परिजनों से मिला हूँ, काफ़ी दुखी हताश है, निराश है। पिछले समय फरीदाबाद में काम करते थे, लॉकडाउन के दौरान इनके पास रोजी रोटी के भी संकट पड़ गए। घर वापस आए, यहाँ उम्मीद था, जहाँ सरकार ने घोषणा किया था कि नरेगा जैसी मजदूरी से हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं एक धारा जोड़ने का काम करेंगे, इनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार ने ये भी कहा था जो प्रवासी मजदूर घर लौट कर आएगा उसको हम आर्थिक मदद भी करेंगे, राशन की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के दावों की पोल इस श्री राघवेंद्र सिंह के परिजनों के द्वारा आज खुलने का काम किया। यहाँ ना कोई मजदूरी, न जीवन यापन करने की कोई व्यवस्था, घर भी इनके पास पर्याप्त नहीं है। 6-6 बच्चे हैं, 3 भाई हैं, और आज रोजी रोटी के संकट के लाले भी इनके पास पड़े हैं। पूरी तरह यह सरकार केवल दिखावे की राजनीति में, आंकड़ों की बाजीगरी में परेशान है। मैं लगभग 3 परिजनों से अब तक मिल चुका, एक किसान, 2 किसान परिवार से, जो लोग तंगी हालत में आकर, विवस्था में आकर, कर्ज के नाते आत्महत्या करने पर मजबूर। 2 किसान जो आत्महत्या कर लिए सिर्फ इसलिए कि ओलावृष्टि अतिवृष्टि के नाते उनका फसल बर्बाद था। उनके परिजनों में धन का संकट था, इसलिए उन्होंने कर्जा लिया था बैंकों से, साहूकारों से। समय से साहूकारों का पैसा न दे पाने की स्थिति में, बैंक का पैसा न जमा कर पाने की स्थिति में, लगातार बैंक के कर्मचारी, राजस्व कर्मी उनके घरों में लगातार जाते रहे, परेशान करते रहे, अमीन दौड़ता रहा घर, फसल बर्बाद, अन्ना जानवरों के नाते फसल बर्बाद, खरीफ की फसल बर्बाद, पैसे के अभाव में लोगों ने मौत को गले लगा लिया, जो एक काफी दुखद और गंभीर विषय है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।